नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस के बारे में या बिजनेस के क्या योग रहने वाले हैं, कार बंगलो या जो केस है उस पर कब विजय होने के योग है, इसके विषय में सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है तो वो लाइफ लाइन पर सबसे मेनली गौर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंततः आपकी लाइफ लाइन में अच्छे खासे यहाँ पर ट्रैवलिंग के योग जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब लाइफ लाइन के एंड में इस प्रकार से वाई सिंबल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता है तो इस कारण से फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन विजिट के चांसेस साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ आपके पाम में यहाँ पर चंद्र की भाग्य रेखा भी चल रही है इस प्रकार से, जो कि फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन को ही इंडिकेट करता है। तो इस कारण से फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और फॉरेन में कुछ टाइम स्टे भी आप अपने लाइफ में प्रेफर करने वाले रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस से रिलेटेड ये है कि आपके लाइफ लाइन में से ही यहाँ से मरकरी लाइन डेवलप हो रखी है। मरकरी लाइन का दो किरदार रहता है हाथ में। पहला, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा होती है, जिसके कारण जो हार्ट लाइन में थोड़े बहुत भी इशू या प्रॉब्लम चलता रहता है तो इस कारण से कोई भी दिक्कत परेशानी हेल्थ रिलेटेड फिर नहीं होती है जब मरकरी लाइन हाथ में होता है, क्योंकि ये गुड मैनेजरियल स्किल को, गुड मैनेजमेंट या पंचुअलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे लोग फिर खान पान में भी अच्छा ध्यान रखने लगते हैं और मैनेजमेंट के साथ अपने दिनचर्या बहुत अच्छे रूल्स के साथ निभाने लगते हैं, तो इस कारण से भी स्वास्थ्य सही होने लगता है। दूसरी, ये व्यापार की रेखा इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये यहाँ पर पंचुअलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कारण से जैसे बिजनेस में अगर आप जाने वाले रहेंगे तो बिजनेस में सबसे जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है पंचुअलिटी और मैनेजमेंट और बिजनेस की समझ। तो वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर बेशक रहने वाली है और यहाँ से ये रेखा सीधे निकल के बुध माउंट तक जा रही है और बुध माउंट अगेन व्यापार को ही इंडिकेट करता है, यानी आपका धनागमन व्यापार के द्वारा बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो कार या बंगलों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो सक्सेस लाइन इस प्रकार से ये निकल रही है, ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है जो इस प्रकार से यहाँ पर निकली हुई है और उसके बाद भी एक मरकरी लाइन यहाँ पर निकली हुई है, यही जो है टाइम ये सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, फेट लाइन का भी फॉर्मेशन आपका कंटिन्यूस ग्रोइंग यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो शनि पर सीधे एकदम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ खड़ी देखने को मिलेगी। जब इस प्रकार का योग होता है तो ये कार बंगलो प्लस सबसे अच्छे धन को व्यक्त करता है। तो जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति रहे लेकिन हमेशा धन इनफ अमाउंट में देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कमी या परेशानी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले विद इन टू थ्री ईयर्स आपके पास कार और बंगलो जैसी बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी हो जाने वाली रहेगी। यही फेट लाइन इंडिकेट कर रही है आपके केसेस के बारे में भी, क्योंकि केसेस की जो लाइन है वो बाहरी मंगल पर और राहु के तरफ से ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ जो केसेस होते हैं वो शुक्र के तरफ से भी आता है। शुक्र का एरिया यहाँ पर आपकी फैमिली, मैरिड लाइफ, एक प्रकार से चिल्ड्रन, इन सबको इंडिकेट करता है। तो इन सब के तरफ से भी थोड़ा सा ट्रबल, हर्डल या प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है जब यहाँ से कोई रेखा आकर के लाइफ लाइन पर टच करती है। तो यहाँ से भी मल्टीपल्स लाइन मुझे आते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके टच करते हुए। तो इस कारण से जो केस के निपटने के जो चांसेस हैं या ख़त्म होने के चांसेस हैं वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक रीज़न यही है कि भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी अच्छी हो रही है। तो ये तो आपका डोमिनेटिंग यानी लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेटिंग था, तो इसको हमने सबसे पहले देख लिया। राइट पाम में भी आते हैं तो यहाँ पर भी आप सेम इंडिकेशन ही देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर जो फेट लाइन है वो आपके लाइफ लाइन से टच होकर के गई है। जब लाइफ लाइन से टच होकर के फेट लाइन कंटिन्यूस चलती है तो आप जैसे लोग सारे काम अपने खुद के दम पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के सामने झुकना या किसी के द्वारा काम निकलवाना आपको पसंद नहीं रहेगा। यानी कोई भी काम हो, चाहे वो आपके बस में भी क्यों ना हो, वो काम करना, लेकिन आप उसको खुद से करने लगेंगे बिना किसी की हेल्प मांगे। ये भाग्य रेखा यहाँ पर सबसे पहले ये डिनोट करता है। अब ये जो फेट लाइन है यहाँ पर आकर के ब्रेक हुआ है और ये जो एज है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 38 से लेकर के 44 के बीच में। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस आपके अडॉप्ट हुए हैं
और उसके बाद फिर अगेन फेट लाइन गई है और फिर शनि पर भी यहाँ पर खड़ी है, जिसके कारण एट द एंड आप सक्सेसफुल अपने लाइफ में रहने वाले रहेंगे। क्योंकि शनि पर ये मैं आपको बार बार गौर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि शनि इंडिकेट करता है सेटिस्फैक्शन को, और शनि पर जब रेखा होती है प्रॉपरली जैसी खड़ी आपके हाथ में है तो आप जैसे लोग अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड देखने को मिलते हैं एट द एंड में। तो इसलिए कहीं से कहीं तो कोई ऐसी कमी नहीं है। तो ये जो चारों जो आपके डिज़ायर्स हैं ये बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 years कम्प्लीट हो जाने वाले रहेंगे। तो अगेन आते हैं आपके डोमिनेटिंग हैंड पे, तो यहाँ पर पहले फिंगर की लेंथ के एनालिसिस के बाद फिर पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने मैं व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में यहाँ पर नॉर्मल देखने को मिलेगी, लिटिल की फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है। और जैसे कि देखा जाए तो हाथ में आपके मंगल की भी प्रधानता ज़्यादा है, तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी और हड़बड़ी आपके अंदर रहने वाला है, यानी फास्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल रहेगी, बहुत टू द पॉइंट बात करना एवं सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा, ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना या सुनना ये बिल्कुल भी आपको एक प्रकार से जमने नहीं वाला है। पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इस कारण से। बाकी देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो गैप है ये इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, तो इंडिपेंडेंटली हर काम करना ज़्यादा आप जो है अपने लाइफ में प्रेफर करेंगे, और किसी से दब करके आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ओपन माइंडेड पर्सन भी यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में रिस्क लेने से पहले आप कभी भी नहीं डरेंगे, हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा। और साथ ही साथ जो थर्ड फिंगर है वो एक प्रकार से रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंडिकेट करता है, तो लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति चल रही हो आप कभी भी अपने रॉयल्टीज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी स्टैंडर्ड से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये एक प्रकार से क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, तो कुछ ना कुछ आर्ट आपके हाथ में जो है आपके अंदर में देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ देखें तो फर्स्ट फिंगर का झुका थोड़ा सा सैटर्न के फिंगर की तरफ भी है, जो बताता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं भीड़ से अलग रहना, साथ ही साथ धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान होना, ये सारे योग भी आपके पाम में इजीली देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आप धार्मिक रहने वाले हैं वो ज़्यादा शो आप नहीं करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप के हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर के लिए शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है, जैसे शर्मिलापन अपोजिट जेंडर के प्रति हम कह सकते हैं, या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट घबराहट, या कई मरतबा बात अपने मन में दबाए रखना। ओवरऑल देखा जाए तो ये बेसिकली लिटिल फिंगर हम बिजनेस सेंस के लिए यहाँ पर ज़्यादा देखते हैं, तो बिजनेस में ये एक प्रकार से रुकावट को इंडिकेट करता है, जैसे किसी भी काम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं देखने को मिलता, या फिर काम में डीले या टाल मटोल थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो फिंगर है उसके ऊपर सीधी खड़ी रेखा यहाँ देखने को मिलेगी, जो आपके एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट कर रहा है, तो आप इजीली एक प्रकार से स्टार्टिंग में थोड़ी आपको जरूर ट्रबल हो सकती है कम्युनिकेशन के कारण, बाकी आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा फ्रैंक और फ्रेंडली टाइप का है, तो इस कारण से ईजिली किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। थोड़ी यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से रिलेशनशिप में जो ट्रबल या ब्रेक होता है उसको इंडिकेट करता है, तो आगे फाइंड करेंगे इसका बेसिक रीज़न क्या रहने वाला है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो थंब है वो भी स्ट्रांग है, आपका थंब यहाँ पर एकदम मिडिल साइज़ में है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक प्रकार से स्पष्टता को इंडिकेट करता है कि यानी जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा, और आप हर परिस्थिति में अपनी बात सर्वप्रथम रखना पसंद यहाँ पर करेंगे, और कभी कभी थोड़ा कड़क आप हो जाते हैं, और हठी किस्म का नेचर भी है जिसके कारण अपने बात पर अड़िग रहना और ज़्यादा किसी के सामने झुक ना पाना ये भी आपके अंदर देखने को मिल रहा है। बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका यहाँ पर देखा जाए तो चौड़ाई में यहाँ पर ज़्यादा है, और इस कारण से ये स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले क्रिएट करता है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में अपने आप हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले रहे हैं, और खुद अपने बलबूते पर आपने हर चीज़ हासिल किया है, क्योंकि एक मुझे चंद्र की रेखा जरूर यहाँ पर दिखी लेकिन वो भी आपके माइंड लाइन के पहले आकर के रुक गई है। चंद्र की भाग्य रेखा यहाँ पर डिनोट करती है जो मदर से फेट मिलता है, यानी आपके मदर से जो आपको थोड़ा फेट या लक कुछ मिला होगा, या जन्म स्थान से दूर जाने का अवसर मिला होगा, जन्म स्थान से दूर रहने का ये अवसर प्रदान करता है, शादी के बाद भी थोड़ी भाग्य उन्नति को ये
व्यक्त करता है। लेकिन ये माइंड लाइन के पहले रुक गई है, यानी एज अप्रोक्सीमेटली 34 एट द एंड, यहाँ तक इसका जो है 34 के एज के लमसम तक इसका जो है लाभ आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, हालांकि फिंगर भी यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो बाकी फिंगर के कंपैरिजन में ठीक है। तो गुरु की प्रधानता के कारण ये सेल्फ रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत रहने वाली है, नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे गाइडर, इंस्ट्रक्टर और एक प्रकार से कह सकते हैं कि समूह का अच्छा नेतृत्व भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जब स्ट्रांग होता है तो ये गुड लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। हालांकि जो सूर्य है उसकी प्रधानता ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए माउंट वाइज तो आपका गुरु यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। कुछ भी हो जाए लेकिन अगर आपका ईगो हर्ट हो गया तो वो सहन आपसे नहीं हो पाता है। बाकी यहाँ देखें आपके लाइफ लाइन से भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन गई है और भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर पहुँची है जो एम्बिशियस नेचर को ही इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आप अपने एम्बिशन के कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते रहे हैं और आगे भी अपने एम्बिशन को आप पूरी तरह से फुलफ़िल कर पाएंगे, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और अपेक्स भी, अपेक्स मीन्स ऐसे करके एक प्रकार से इससे हम अपेक्स कहते हैं, जब वो किसी भी माउंट के बीच में बनता है तो उस जो ग्रह है उसकी प्रधानता फिर ज़्यादा देखने को मिलती है जीवन में। तो गुरु की प्रधानता के कारण आप कहीं ना कहीं नॉलेज जिंदगी भर गेन करते रहे हैं और आगे भी नॉलेज गेन करते ही रहेंगे। इसके अलावा शनि पर आते हैं तो शनि का क्षेत्र अपने आप में फ्लैट है, यानी डेवलप्ड कुल मिलाकर के अच्छा है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर अगेन इंडिकेट करता है। जहाँ तक बात करें तो शनि यहाँ पर आपके धन के विषय में बहुत अच्छी बात करता है, साथ ही साथ भाग्य को बताता है। तो भाग्य में ये रहा है कि भाग्य में चेंजेस होते रहा है आपके, लेकिन फेट लाइन कभी आपकी रुकी नहीं है। जैसे ये सेल्फ मेड लक लाइन गई है और यहाँ ये जो एज निकल के आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 41 से लेकर के 45 है, यानी इसके बीच में लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ, सक्सेस या जो एम्बिशन बहुत टाइम से आपका था वो पूरा हुआ होगा, या कुछ ना कुछ इस एज के बाद से लाइफ में अच्छे चेंजेस आए होंगे। और ये रेखा सीधे यहाँ से निकल के यहाँ पर हार्ट लाइन के पहले रुकी है, हालांकि ठीक है ये। फिर उसका एक और फेट लाइन यहाँ पर निकल रही है और ये जो एज है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका 55 प्लस है। इसके बाद भी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फिर माइंड लाइन के ऊपर से भी एक रेखा गई है, ये एज अप्रोक्सीमेटली 36 प्लस है, कि उसके बाद कुछ ना कुछ डिसीजंस आपके अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पर हृदय रेखा के ऊपर भी रेखा है जो धनवान होने का और गुड यहाँ पर जो एक प्रकार से वृद्धा अवस्था है उसको इंडिकेट करता है। तो सैटर्न यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है, तो डरने वाली कहीं से कहीं तक ऐसी कोई या चिंता करने वाली बात नहीं है। बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र की तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबरा है तो ये आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी को बताता है, लेकिन सूर्य पर भी आपकी जो सूर्य रेखा है वो हृदय रेखा के ऊपर से प्रारंभ हुई है, यानी कुछ ना कुछ पावर या अथॉरिटी आपके अंडर में रहा है। इसके अलावा नेम फेम की जहाँ तक बात करें तो सोसाइटी में अच्छा स्टेटस देखने को मिल रहा है, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिनोट हो रही है। और जहाँ तक बात करें तो इसमें से कुछ शाखाएं भी आकर के जुड़ रही हैं जो बताता है कि स्टार्टिंग लाइफ में, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 के एज के पहले तक और उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करते थे और थोड़े से करियर को लेकर के स्टार्टिंग में कंफ्यूज्ड भी थे, लेकिन आगे चल करके जैसे ये रेखा स्ट्रांग हुई है तो ये बताता है कि एट द एंड आप अपने लाइफ में पूरा यशवान और कीर्तिवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी फुली सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में रहने वाले हैं, उसका भी यह चिन्ह यहाँ पर रहता है। तो सूर्य माउंट थोड़ा सा डेवलप्ड कम था लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर स्ट्रांग है तो ये गुड डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इंडिकेट फिर करता है, तो इस कारण अब ज़्यादा कन्फ्यूजन लाइफ में नहीं रहेगा। मरकरी माउंट थोड़ा कम एरिया ले रहा है, डेवलप ठीक है और मल्टीपल्स लाइन के कारण ये मधुरभाषी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है। मेडिकल सिग्माटा का साइन इस कारण से क्रिएट हुआ है तो इस कारण से आप जैसे लोग नॉर्मली जैसे मेडिकल लाइन हुआ या हीलिंग जो एक प्रकार से लाइन होती है या बिजनेस सेक्टर, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे सारे सेक्टर जिसमें आपका बोली का उपयोग हो रहा हो और अपने बोली से आप दूसरों को अच्छा प्रभावित कर रहे हों, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी बोली का कारक है और आपका बोली बहुत ज़्यादा मिठासपूर्ण या अट्रैक्टिव यहाँ दिख रहा है, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं आप हमेशा लोगों से घिरे भी रहते होंगे इस कारण से। तो बुध पॉजिटिव है तो बिजनेस में ये ऑब्वियसली ग्रोथ दिलवाने ही वाला है, उसमें कोई डाउट यहाँ नहीं है। और हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति है जो एक प्रकार से गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, हंसमुख हास्य कवि पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो
आप कहीं ना कहीं मुस्कुराते या लोगों को खुश रखते ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो हृदय रेखा इस प्रकार से आपके निकलते हुए सीधे यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड है, जो इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो ये एक प्रकार के सिंपैथेटिक नेचर को सबसे पहले बताता है। और बेसिकली बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना या एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा रखना, इसको भी इंडिकेट करता है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के भी देखने को मिल रहे हैं। और एक रेखा सीधे भी गई है जो फोकस कार्य के प्रति अच्छा इंडिकेट करता है। हृदय रेखा से कुछ रेखाएं नीचे भी आ रही हैं, डबल लाइन भी चल रहा है, तो थोड़ा मूड स्विंग भी इस कारण से देखने को मिलेगा। बाकी हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी मरकरी लाइन यहाँ पर स्ट्रांग है। बात करें आपके माइंड लाइन पे, तो यहाँ देख पाएंगे माइंड लाइन पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन क्लियर कट देखने को मिलेगा। एज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 13-14 की उम्र से लेकर के 21 की उम्र तक कहीं ना कहीं आप टेंशन या थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ पर आपकी गई है स्ट्रेट, और यहाँ पर भी एक मुझे आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन 28 से लेकर के 35 का जो टाइम रहा है आपकी लाइफ का, वो थोड़ा सा मेंटली टेंस्ड यहाँ पर या थोड़ा सा ट्रबल में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी माइंड लाइन सीधे गई है और इसी में से एक शाखा निकल कर सीधे नीचे की ओर चल गई है। यहाँ बारीकी से अगर देखा जाएगा तो ये आपकी माइंड लाइन है, ये यहाँ पर आपकी चंद्र की रेखा नहीं है, ये माइंड लाइन है। इस प्रकार से जो नीचे जा रहा है उसी लाइन में से कनेक्ट होते हुए, तो यहाँ पर इस प्रकार से जब फॉर्मेशन होता है तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि चंद्र पर जब माइंड लाइन चल जाती है तो आप जैसे लोग हर बात की जड़ तक जाना फिर पसंद करते हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो ये जो बायफोर्क हुआ है, इस कारण से बेनिफिट ये हुआ है कि आपने हर परिस्थिति को हैंडल अपनी सूझबूझ के साथ किया है। अदरवाइज अगर ये बायफोर्क नहीं होता तो ये थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का ही कारण फिर यहाँ पर बन सकता था। लेकिन कुल मिलाकर ये गुड मैनेजमेंट को माइंड के थ्रू भी इंडिकेट करता है। मेमोरी यहाँ पर शार्प रहेगी, पुराने से पुरानी बातों को बहुत अच्छे से आप याद रख पाएंगे। और ये थोड़ा सा चतुर चालक इसमें के नेचर को भी इंडिकेट करता है। जब यहाँ पर बायफोर्क हो और उस पर मर्करियल लाइन चल जाए, तो जब ये ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन फिर व्यक्ति को बना देता है। तो लाइफ में जैसे थोड़े बहुत ट्रबल या प्रॉब्लम किसी भी लेवल की आती है तो सूझबूझ के साथ उसको बहुत अच्छे से आप अपने दम पर निपट लेने वाले रहते हैं। तो मेंटली लेवल पे इस कारण से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज अगर ये फॉर्मेशन नहीं होता तो फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। इसके अलावा यहाँ देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन का फ्लो आपके इस प्रकार से निकलते हुए मिडिल तक आ रहा है। कुल मिलाकर के लाइफ लाइन के फ्लो में ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। हाँ, इधर मंगल की कुछ एक दो रेखा यहाँ पर जरूर काट करके जा रही है, एक राहु रेखा भी इस प्रकार से आकर के काटी हुई है। तो ये अगेन यहाँ जो ये टाइम रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 29 से लेकर के यहाँ पर 38-39 तक, ये टाइम थोड़ा सा आपका टफ यहाँ पर लाइफ लाइन पर भी देखने को मिल रहा है। बाकी बात करें तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा या मानसिक बल, क्योंकि बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से दोनों मुझे पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, एनर्जी ऊर्जा अच्छी देखने को मिल रही है। शुक्र थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा फैमिली को लेकर के टेंस्ड या थोड़ा टेंशन को इंडिकेट करता है, तो ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। बाकी शुक्र मार्ग पर कुछ सीधी खड़ी रेखा भी है और एक सहयोगी रेखा निरंतर ये यहाँ पर चल रही है जो एक प्रकार से पॉजिटिव है। तो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 27 प्लस एज के बाद से देखने को अच्छा मिल रहा है। और दूसरों के सपोर्ट के कारण ही लाइफ में जो थोड़ी ट्रबल है वो कम होते हुए और जो एम्बिशन है वो फुलफिल होते हुए भी देखने को मिल रहा है। केतु माउंट अपने आप में नॉर्मल है, ट्रैवलिंग अच्छी खासी रहेगी। चंद्र माउंट पर एक प्रकार से हल्का सा क्रॉस का साइन भी देखने को मिल रहा है, जो कि भय, चिंता या मन से दुखी होने की योगों को व्यक्त करता है। बाकी जहाँ तक देखें मनी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के बारे में, तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपकी फेट लाइन इस प्रकार से गई है या आपकी माइंड लाइन है, और ये जो फॉर्मेशन है इसमें बहुत माइनर सा हल्का सा जो है गैप यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी तब भी इस कारण से जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी। और यहाँ पर भी आपके देखा जाए तो यहाँ पर भी आप एक ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, और ये मंगल के क्षेत्र पे इस एरिया में जब भी किसी के भी हाथ में अगर ट्रायंगल दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि प्रॉपर्टी होने के चांसेस बहुत अच्छे आपके रहने वाले हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।